तो गाइस आप जो मेरे पीछे हाटकोटी मंदिर के पास आपको देखने को मिलेगा और बैक साइड में आ रहा है बंद, क्या बंद तो पहले भी रहा था बट पूरा ही है, पर फिर भी हम आपको दिखाएंगे उसको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में स्पेशल होने वाला है। तो इससे पहले आपने हमारा चंद्रयान का व्लॉग देखा, दो पार्ट्स में हमने आपको दिखाया। तो आज हम जा रहे हैं हाटकोटी, साथ में है ओम प्रकाश और साथ में है दिग्विजय भाई। तो दिन के बज रहे हैं दो, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं हाटकोटी की तरफ। तो अभी हम यहाँ से जाएँगे पहले बस स्टैंड और उसके बाद पहुँचेंगे हाटकोटी। तो आगे का सफ़र आपको बताते हैं और फिर मिलते हैं। और गाइज ये देखो, आपको दो बजे का दिन में व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा व्यू है, धूप लगी है और खूबसूरत वादियों में हम बसे हुए हैं। रोडू यहाँ से हाटकोटी जाएंगे, 12 से 15 किलोमीटर दूर है। तो ओम प्रकाश जी, चंद्रयान ट्रिप के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक्साइटेड है, एक्साइटेड है हाटकोटी के लिए। तो अभी हम जस्ट निकलने वाले हैं, यहाँ से जाएँ दोनों तरफ से रास्ते हैं। उस दिन आपके बस नहीं आई यहाँ से, वही ऊपर से। तो अब हम जाएंगे, चलो फिर कहाँ से चले, इस रास्ते से कि इस रास्ते से? इस रास्ते से चलो, पर तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हाटकोटी और यहां से आपको सावड़ा तक का आपको टैक्सी मिल जाएगी। 12 या 13 किलोमीटर है रोडू से, टैक्सी मिल जाती है। रोडू आगे है हाटकोटी से और हाटकोटी पीछे। तो जहां मैं अभी खड़ा हूं वहां से मैं आपको व्यू दिखाता हूं हाटकोटी मंदिर का। और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर हाटकोटी मंदिर है और नीचे की तरफ है सावड़ा कुडू डैम और ये है पूरी वैली और यहाँ पर सेब के पौधे लगे हैं। ये देखो वैली व्यू, देखो खूबसूरत व्यू। और यहाँ से जा रहे हैं और जो दो मेरे मेट है वो आगे जा चुके हैं। तो अब हम यहाँ से नीचे जाते हैं, फिर आपको मंदिर में दिखाते हैं। रास्ते में आपको देखो सेब के बगीचे मिल जाएंगे जब आप यहाँ आओगे हाटकोटी। ये पूरा सेब के बगीचे यहाँ पे है, ये शॉर्टकट रास्ता है यहाँ से 20 से और एक आगे से है मेन रास्ता। तो हम आपको शॉर्टकट से ले जा रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नाशपाती लगी हुई है और ये देखो नाशपाती वगैरह यहाँ लगी है। नाशपाती तो फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं हाटकोटी मंदिर के पास और हम उसके गेट के पास पहुँचने वाले मंदिर के, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हाटकोटी और जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है मंदिर का मेन गेट और साथ में ओम प्रकाश जी ये भी ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं और दिग्विजय भाई। तो ये है मंदिर के नज़ारे, आप देख सकते हैं यहाँ से मंदिर स्टार्ट है और ये मंदिर की मेन बाउंड्री और इसके अंदर जाना है। सबसे पहले शूज़ वगैरह यहाँ खोलेंगे यहाँ पे और फिर जाएंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सिर्फ शूज़ रखने के लिए होता है और जब नवरात्र होते हैं तो ये बिल्कुल पैक आपको देखने को यहाँ मिलता है। और अब यहाँ से अंदर मंदिर की यात्रा शुरू होती है और अभी हम यहाँ बैठे हैं तो इसके बाद आगे जाएंगे। और ये यहाँ से मंदिर मेन गेट मंदिर का, तो अभी हम अंदर जाएंगे, जूते यहाँ उतारेंगे, पानी आपको यहाँ मिल जाएगा, सारी फैसिलिटी अगर कभी पानी ना हो और अब अंदर जाना है, अभी तो अंदर चलते हैं। तो फाइनली हमने प्रसाद ले लिया है और ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी आप कितने साल बाद यहाँ पे आए? कॉलेज के बाद 4 साल के बाद हम यहाँ पे आए और बारिश भी होने लग गया शुरू। तो गाइस बारिश शुरू होने लगी है तो अब देखते हैं क्या होता है, कि बारिश तेज़ होती है या नहीं होती है। बाकी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाता हूँ अंदर जाके मंदिर में। बहुत अच्छी जगह है यार, घूमने आओगे ना रोडू तो यहाँ पे ज़रूर आना, शिमला से आगे है। तो यहाँ पे आपको फ्लावर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे मंदिर के बाहर और ये सारी चीज़ें। तो अब हम अंदर जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं।
ये छोटे छोटे पांच यहाँ पे शिवलिंग टाइप देख रहे हैं, ये यहाँ पे पांच पांडवों ने बनाए थे यहाँ पे, और ये बहुत ही पुराने पत्थरों से बनाए गए। दिगू भाई क्या आप जाए कितने पुराने हो सकते हैं? तो अब क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत मतलब वैसे यही बोलते हैं शायद उस टाइम के होने जब पांडव वगैरह आते थे। और इसमें डिजाइनिंग बहुत अच्छे तरीके के साथ की है, एडवांस तरीके से। पांडवों का है ये? हाँ जी, ये पांडवों ने बनाए थे। हाँ पांडवों ने। अच्छा पूछ रहे भाई, हमारे से पूछ रहे। अच्छा बोलते हैं, बोलते हैं पांडवों ने बनाए थे। बहुत पुराना बना हुआ है देखो तो। ऐसे देख सकते हैं। और यहाँ पे शिवलिंग है, अंदर छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, और ये शिवालय मंदिर है यहाँ पे, छोटा सा शिव का मंदिर। और आप इसकी डिजाइनिंग वगैरह देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप मंदिर यहाँ पे, तो यहाँ पे मंदिर है तो फोटोग्राफी करने को यहाँ मना कर रहे हैं सामने। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन है, मैं आपको भी दिखाता हूँ उस तरफ है। और ये एक छोटा सा यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे है, क्योंकि नवरात्रों में यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, भीड़ होती है, फिर आपको यहाँ पे दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हाटेश्वरी माता का मंदिर यहाँ पे, तो जो माता है वो एक पीछे कोई छोटा सा गांव है वहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पे बसे थे। तो अभी मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। वहाँ पे बर्तन है, और ये देख सकते हैं आप व्यू, मंदिर के चारों तरफ का व्यू है यहाँ पे। और पांच पांडवों के द्वारा पांच शिवलिंगे उस तरफ बनाई गई है, और ये खूबसूरत वैली में बसा हुआ है। सामने उस तरफ को आपको सावड़ा कैंची दिखाई देगी, वहाँ से होके अगर आप आना चाहते हो तो वो शिमला वाला रोड है, वहाँ से होते हुए आप आएंगे। और ऊपर से नीचे की तरफ ये हाटकुटी मंदिर आपको मेन रोड से दिखाई देगा, तो आप इजीली मंदिर आ सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो बाकी की सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ अभी। वैसे जो आपको ये सामने यहाँ पे मटका दिखाई दे रहा है ना, तो एक पीछे कोई गांव है खरशाली, वहाँ से ये पानी के बीच बहता हुआ आया था और यहाँ पे इस मंदिर के पास आ गया, तो यहाँ पे मंदिर बन गया। तो जो खरशाली है वो यहाँ से रोहड़ू से पीछे की तरफ है, 20 या 25 किलोमीटर पीछे होगा, तो वहाँ से यहाँ बह के आया और उसके बाद यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ। तो पीछे मेन मंदिर पीछे है जहाँ पे जन्म हुआ था, और उसके बाद ये यहाँ पे बना। तो गाइज कहानी तो इसकी बहुत ही रोचक है, बट हमारे को जितना पता है वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत पत्थर है, पुराने पत्थर है, शिलाएं कह सकते हैं आप। और डिज़ाइनिंग देख सकते हैं कि किस प्रकार की डिज़ाइनिंग है। और वहाँ पे उस तरफ को बनाई गई है सराएं, जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो ऊपर, वहाँ पे सराएं हैं। और ये दीवारें, ये अभी नई चीज़ें यहाँ पे बन रही है। इसके बैक साइड में छोटा सा पार्क टाइप बना है, क्योंकि यहाँ पे मेला लगता है जब नवरात्र होते, तो यहाँ मेला लगता है इसके बैक साइड में। तो अगर आप आते हो तो अच्छी जगह है घूमने के लिए रोहड़ू में। तो ये मंदिर की बैक साइड है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, तो ये मंदिर है। और उस तरफ को जो मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और बाकी जो मेरे दो मेट्स हैं वो भी अभी फ़ोटोग्राफी में व्यस्त है। तो बाकी व्यू देखो यार, आप व्यू शानदार है, बादल है। तो इसके बाद हम आपको एक यहाँ पे डैम है सावड़ा कुंडू, तो उसको दिखाएंगे उस तरफ को। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें होगी। गेट से अंदर आते हो तो आपको ये देखो यहाँ पे शेर के दो चिन्ह मिलते हैं, दोनों तरफ दो शेर आपको दिखाई देंगे मेन गेट के ऊपर। और मेन गेट ये था, यहाँ से हम अंदर आए थे, अब हम बाहर जा रहे हैं। तो ओम प्रकाश जी, आपको 4 साल के बाद आके कैसा अच्छा लग रहा है? अच्छा जैसा हर बार लगता था। तो काफ़ी समय के बाद आ रहे हैं, तो ओम प्रकाश फोटोग्राफी करने में मस्त है, तो बाकी इनको अभी कोई पता नहीं है। तो गाइस अब हम आपको एक पार्क दिखाते हैं छोटा सा, ये देखो मंदिर के साथ में एक पार्क दिखेगा आपको, छोटा सा पार्क है, अच्छा पार्क है घूमने के लिए। तो जो उस तरफ आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे मेला लगता है नवरात्रों में, और खूबसूरत है, अच्छा है। यहाँ पे लोग ना बहुत दूर दूर से आते हैं जब यहाँ पे नवरात्र होते हैं यहाँ पे। और सरान में हाटकोटी माता का मंदिर है, आपने देखा होगा। और ये देखो यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत व्यू आप ये देखो।
तो गाइज़ अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप हार्डकोटी आना चाहते हो तो आ सकते हो यार, बहुत अच्छी वैली है घूमने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा व्यू तो देखने को मिलेगा ही, पर मंदिर के खूबसूरत नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है, और वीडियो को शेयर करना भी बनता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के ब्लॉग में बस इतना ही।